हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे ऑइंटमेंट की बात करने वाले हैं जो स्किन के इन्फेक्शंस में बहुत कॉमनली यूज़ किया जाने वाला ऑइंटमेंट है। ये हर मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोफ्रामाइसिन क्रीम की। सोफ्रामाइसिन क्रीम को कब इस्तेमाल करना है, सोफ्रामाइसिन क्रीम इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं, इसे ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, सोफ्रामाइसिन क्रीम इस्तेमाल करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये क्रीम आपको मार्केट में मेडिकल स्टोर पे किस नाम से मिलेगा, और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे सोफ्रामाइसिन क्रीम आपको मेडिकल स्टोर में कितने प्राइस में मिलेगा और इसके क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं। सोफ्रामाइसिन क्रीम ये एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है। फ्रामाइसिटिन सल्फेट ये इसका एक्टिव इन्ग्रीडियंट है। फ्रामाइसिटिन सल्फेट ये कंपोजिशन है इसका, 1% में प्रेजेंट होता है। इसे बहुत से स्किन के इन्फेक्शंस में यूज़ किया जाता है। सोफ्रामाइसिन क्रीम के उपयोग क्या हैं, तो आप सोफ्रामाइसिन क्रीम बैक्टीरिया इन्फेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियल संक्रमण को रोकने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। घावों का इलाज करने में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये वुंड हीलिंग करता है। त्वचा के संक्रमण, स्किन के इन्फेक्शंस को रोकने में ये काम आता है। बर्न वुंड्स में ये काम आता है, जलने के निशान में ये काम आता है, और इसके साथ ये क्यूटानियस इन्फेक्शंस में भी बहुत अच्छा है। कुटी संक्रमण को रोकने के लिए भी ये काम आता है। सोफ्रामाइसिन क्रीम के फायदे की अगर हम बात करें तो सोफ्रामाइसिन क्रीम में प्रभावी रूप से बैक्टीरिया को मारता है, ये बैक्टीरिया को इफेक्टिवली किल करता है। स्किन को ये प्रोटेक्ट करता है, त्वचा को सुरक्षित रखता है, प्रोमोट करता है ये वुंड हीलिंग, घावों को जल्दी ठीक करता है, और इसके साथ ये प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन, संक्रमण को ये रोकता है। सोफ्रामाइसिन क्रीम ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आइए जानते हैं इसके दुष्प्रभाव के बारे में। सोफ्रामाइसिन क्रीम त्वचा पर चकते आ सकते हैं अगर आप इसके ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, स्किन रैशेज आ सकते हैं, जलन हो सकती है उस जगह पर, ईचिंग हो सकता है, लालिमा जिसे रेडनेस कहते हैं ये हो सकता है अगर आप इसे का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो, सूजन आ सकती है उस जगह पे, स्वेलिंग हो सकता है। अगर इस तरीके की अगर आपको सिम्टम्स दिखें तो आपको तुरंत क्रीम को लगाना बंद करना चाहिए। सोफ्रामाइसिन क्रीम लगाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी सावधानियों के बारे में बात करते हैं। अगर आपको एलर्जी है तो आपको इसका यूज़ नहीं करना है। अगर प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग है, गर्भावस्था है या स्तनपान है, तो आपको इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर आप अन्य दवाओं के साथ ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। सोफ्रामाइसिन क्रीम को आपको स्टोर कैसे करना है, सोफ्रामाइसिन क्रीम आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, कमरे के तापमान में रख सकते हैं। ध्यान रहे धूप और नमी से बचाएं, आपको प्रोटेक्ट करना है मॉइस्चर और सनलाइट से। सोफ्रामाइसिन क्रीम आपको मेडिकल स्टोर पर किस नाम से मिलेगा, आप सोफ्रामाइसिन के नाम से भी आपको ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, इसके अलावा फ्रामाइसिटिन के नाम से आपको मिलेगा, और सोफ्रामाइसिन टी के नाम से ये आपको मेडिकल स्टोर पर ट्यूब मिल जाएगा। सोफ्रामाइसिन के प्राइस की अगर हम बात करें तो मेडिकल स्टोर पे ये 50 रुपये से 200 रुपये के बीच प्रति ट्यूब आपको मिल जाएगा, डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांड की ले रहे हैं। सोफ्रामाइसिन क्रीम के अल्टरनेटिव्स की अगर हम बात करें तो सोफ्रामाइसिन का अल्टरनेटिव है न्यूस्पोरिन, बेसिट्रासिन, जेंटामाइसिन और मिकोनाजोल, ये इसके अल्टरनेटिव्स हैं। सोफ्रामाइसिन क्रीम लेने से पहले मार्केट में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। किसी भी तरह की मेडिकल कंडीशन में बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आपको किसी भी तरह की दवाइयाँ या क्रीम यूज़ नहीं करना चाहिए।